बार एसोसिएशन की यहाँ मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में बहुत से इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो हमारी फ्रेटर्निटी को इफेक्ट करते हैं उस पे चर्चा की गई। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से पुलिस पर्सनल हमारे वकला साहिबान के खिलाफ कहीं कोई पर्चा रजिस्टर हो रहा है, किसी के खिलाफ कोई ट्रैफिक पुलिस वाले किसी को तंग कर रहे हैं, कोई पुलिस स्टेशन में अगर कोई आदमी किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है तो वकील साहब को साथ में पार्टी बना लिया गया है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिस जो हमारे प्रोफेशन को थ्रेटन करती हैं। वकील अपना काम फियरलेसली करता है, इसको कहीं से कोई डर नहीं होता, तभी वो आराम से अपने केस की अच्छी तैयारी कर सकता है। जब तैयारी करके वकील साहेब अपने घर से निकलते हैं, काला कोट पहना होता है, बैंड लगाया होता है, टाई लगाई होती है कि वो कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जाकर के उन्होंने केस करना है, रास्ते में अगर उनको कोई भी इंटरप्ट करे, मैं ये कहता हूं कि जो ड्यूटी वकला साहिबान कर रहे होते हैं दे आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को आप किसी भी फॉर्म में इंटरप्ट करते हो जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने जा रहा है, तो मेरी नजर में ये कंटेम्प्ट है कोर्ट की। और ये वाले इश्यूज यहां पे हमारे वकला साहिबान के साथ नाजायज होगा, जब वो काम करने कोर्ट में आ रहे हैं तो हम उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे और कोर्ट के नोटिस में ये सारे इश्यूज जो हैं उनको लाएंगे। दूसरी बात, जो बहुत सारे इश्यूज हमारे नोटिस में आ रहे हैं कि एक वकील साहब एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, मुकदमा अदालत में चल रहा है तो पार्टी के वो वकील हैं, दूसरी पार्टी उन वकील साहब की मेहनत और उनकी एफर्ट्स को रोकने के लिए उनको किसी ना किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व करने के लिए कंप्लेंट कर देती है। ये इश्यूज जब हमारे नोटिस में आए तो हम ये समझते हैं कि इस टाइप की इश्यूज को पुलिस ने इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए और ऐसी कोई कंप्लेंट किसी वकील साहब के खिलाफ एंटरटेन नहीं करनी चाहिए। जो केसेस हमारे नोटिस में आए हैं, हमने एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस मिस्टर मुकेश सिंह जी के साथ ये बात की और उनको रिक्वेस्ट की कि ये सारे केसेस जो हैं इनकी आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए, तफ्तीश करवाइए प्रॉपरली कि ऐसे केसेस वकला साहिबान के खिलाफ क्यों रजिस्टर किए जा रहे हैं। तो उन्होंने भी एक सुझाव दिया, उनको उनका सुझाव हमें अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हम बार के कुछ मेंबर्स को बुलाएंगे जिसमें ये पुलिस वाले जो इनके ऑफिसर्स हैं उनकी ये काउंसलिंग करेंगे। ये बात उन्होंने हमारे साथ डिस्कस की है और हम एफर्ट करेंगे कि जल्दी ही ये पुलिस और वकला साहिबान की एक अच्छी मीटिंग हो और हम इनको अगर नहीं समझ आ रही है, इनको अच्छी ट्रेनिंग सोसाइटी के साथ कैसे इनको तालमेल रखना है, तो हम इनको समझाएंगे कि आज पुलिस वो पुलिस नहीं है जो अंग्रेजों के जमाने की पुलिस थी। आज हम आज की डेट में हमारे देश को आजाद हुए 70 ईयर से ऊपर हो गए हैं, आज तो जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहुएं हैं, वो इतनी महफूज पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए कि उनको किसी किस्म का कोई डर ना हो, किसी भी जगह में जगह वो जाएं, चाहे पुलिस स्टेशन हो या कोई दूसरा ऑफिस हो, उनको अथॉरिटी का कोई डर ना हो, उनके साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में बातचीत होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वकला साहिबान के साथ ही ऐसा हो रहा है, जो लोग आप लोगों के पब्लिक के केसेस जो हैं उनको कोर्टों में प्लीड करते हैं। तो ये इंटरेक्शन हम एफर्ट करेंगे कि इनके साथ हमारा एक अच्छा इंटरेक्शन हो, अगर उसके बावजूद भी ये लोग नहीं सुधरेंगे तो फिर हमें कोई एजिटेशनल पाथ जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि हम समाज में हमें समझा जाता है पढ़े लिखे लोगों की एक जमात है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को
एक मौका दे रहे हैं कि आप अपने पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिशियल्स को इनकी काउंसलिंग करिए, इनको समझाइए, इनको बताइए कि हर इंसान के अपने राइट्स हैं, अगर उनके राइट्स को पे आप हाथ डालोगे तो फिर रिएक्शन होगा, फिर हम अदालतों में भी जाएंगे, हम कंप्लेंट्स भी करेंगे, हम एजिटेशनल पाथ भी अडॉप्ट करेंगे। तो एक तो हमारा मेन मकसद आज की मीटिंग का ये था और आपको भी हमने इसलिए तकलीफ दी। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि जब हमारी इलेक्शन हुई और ये टीम इलेक्ट हुई तो हमने पहली डिमांड एलजी साहब के सामने, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी है कि हमारे इस कोर्ट प्रीमिसेस में एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाइए। उसकी जरूरत यह है कि हमारा रजिस्ट्रेशन वर्क इस कोर्ट प्रीमिसेस में ही होना चाहिए, जितने सब रजिस्ट्रार्स हैं वो रेवेन्यू के हैं, वो सारे के सारे कोर्ट प्रीमिसेस में बैठे, यहां पे हम फिर हमारे सामने बंगलिंग नहीं हो सकती, हमारे सामने किसी किस्म की करप्ट प्रैक्टिस जो है उसमें ये लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते। रजिस्ट्रेशन वर्क यहां हो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो हमारे मेंबर्स हैं वो भी कोर्ट प्रीमिसेस में बैठे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल रिसेंटली बना है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स अगर अपॉइंट होके हमारे ये स्टेट का जो यूटी का बेंच होगा बेंच में आए तो वो भी यहां पर बैठे, हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन, हमारे कंज्यूमर फोरम्स, कंज्यूमर कमीशन, हमारी हर एक फोरम जो है, हर एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, लेबर ट्रिब्यूनल, जितने भी हमारी लीगल या कॉजाई लीगल जो बॉडीज हैं, जुडिशियल बॉडीज हैं, वो सारी की सारी बॉडीज जो हैं यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए ताकि पब्लिक को भी और वकला साहिबान को भी आराम रहे और एक ही कॉम्प्लेक्स में आप एंटर करो, आपको हर एक अदालत जो है एक कॉम्प्लेक्स में नजर आ जाएगी।